स्कॉर्पियो एन जेड सिक्स लूँ या स्कॉर्पियो एन जेड फोर लूँ? स्कॉर्पियो एन जेड सिक्स में हमको सनरूफ मिलेगा, स्कॉर्पियो एन जेड फोर में हमको नहीं मिलेगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का, 1.5 लाख का है, 2.5 लाख का है। तो अगर आप भी कन्फ्यूजन है, आप स्कॉर्पियो एन जेड सिक्स लेना चाहते हैं, स्कॉर्पियो एन जेड फोर लेना चाहते हैं, और क्या क्या फीचर्स आपको ज़्यादा ऑफर किए गए हैं किस प्राइस रेंज में, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। हम लोग दोनों गाड़ी के 5-5 पॉइंट को निकालेंगे और पूरे 5 पॉइंट अपने वैल्यूएबल होंगे, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हमको जेड फोर की तरफ जाना चाहिए या जेड सिक्स की तरफ जाना चाहिए। तब तक के लिए आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेड सिक्स हमको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल किए गए। तो हमको सनरूफ देखने को मिलेगा जेड सिक्स वेरियंट में, और यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले देखने को मिलेगा, और साथ में यहाँ पे एलेक्सा बिल्ट मिलेगा। जिनको नहीं पता एलेक्सा बिल्ट क्या होता है, वो हेलो एलेक्सा करके आप कोई भी चीज़ को ऑन ऑफ करवा सकते हो, चाहे आप सनरूफ खुलवाना हो या एसी को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवाना, आप अपने मुंह से वॉइस कमांड देके एलेक्सा से वो वर्क करा सकते हो। जिनको नहीं पता ये बस उनके लिए था। और 20 सेंटीमीटर की आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देगी, और आपको 3 ड्राइव मोड देखने को मिलने वाले हैं, जिप जैप जूम। और जहाँ की जेड फोर है वो 4x4 ऑप्शन के साथ भी आती है, पर इसमें आपको ड्राइव मोड देखने को मिल गया तो वही बेहतर है आपके लिए। सारे ऑटोमेटिक फीचर्स आपको मिल जाएंगे, और आपको वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस एप्पल कार प्ले और वायरलेस इनबिल्ट कार एप्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी गाड़ी को आराम से कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन के जरिए। तो बोल सकते हैं यहाँ पे हमको कुछ एडवांस फीचर देखने को मिल रहे हैं जेड सिक्स में, बाकी मॉडल के कंपैरिजन जेड टू और जेड फोर के कंपैरिजन के। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने जेड फोर की, हाँ स्कॉर्पियो एंड जेड फोर जो कि सेकंड बेस मॉडल जिसको बोला जाता है, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल किए हैं जेड सिक्स के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जेड फोर की बात करते हैं, आपको ये डीजल में आएगा और पेट्रोल का ऑप्शन अभी दिया नहीं गया। तो डीजल में ये 175 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा, और ये मैनुअल ऑटोमेटिक और 4x4 तीन ऑप्शन के साथ आने वाला है, और इसका पेट्रोल का प्राइस आपको 13.49 लाख रुपीज़ देखने को मिलने वाला है। और इसमें भी आपको 20 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलने वाली है। यहाँ पे भी आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले देखने को मिलेगा, बट बात करते हैं यहाँ पे आपको सन रूफ का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, वो सिर्फ आपको जेड सिक्स से चालू हो जाएगा। और लग्जरी वेरियंट में तो आपको मून रूफ भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे सिंपल से क्रोमिंग की गई, और यहाँ पे एलॉय भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिंपल से आपको व्हील देखने को मिलेंगे जिसमें आप डमी रिवील कैप लगे रहेंगे, बाद में आप उसमें अलॉय इंस्टॉल करवा सकते हो। तो जेड सिक्स में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जेड फोर के कंपैरिजन में, और यहाँ पे आपको 4x4 का जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको अलग से जो एक मॉडल आएगा उसमें लेना पड़ेगा, आपको सभी के साथ 4x4 नहीं मिलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि आप 4x4 लेना चाहते हो तो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में तो वो मिलेगा, पर जेड फोर के कौन से वेरियंट में मिलेगा ऐसा नहीं है, उसका एक अलग से है जेड फोर का 4x4 वेरियंट, उसमें आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप ऑटोमेटिक में लेना चाहते हैं उसको या मैनुअल में लेना चाहते हैं। तो इसका सिंपल सा ये था, और उसकी प्राइस आपको ये दोनों मॉडल से ज़्यादा देखने को मिलेगी। 4x4 की प्राइस आपको 15.39 लाख रुपये से स्टार्ट है महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड जेड फोर वेरियंट का। और आपको जेड सिक्स वेरियंट में तीन मोड अलग से दे दिए गए हैं, जिप जैप जूम, क्योंकि 4x4 से बेटर रहते हैं वो अलग अलग रोड कंडीशन के साथ। उसमें स्नो मोड है, उसमें मड मोड है, बहुत सारे मोड्स हैं उसमें, तरह तरह के रेन मोड है, वाटर मोड है, जिससे आप उसको बहुत सारे तरह तरह के जगह में चला सकते हैं। आपको कोई भी ऑफ रोडिंग करने के लिए बेस्ट गाड़ी है जेड सिक्स। जो व्हील का साइज देखने को मिलेगा वो 17 इंच का व्हील होगा, चाहे आप जेड फोर ले लो या जेड सिक्स। अब बात करते हैं आपकी यूसेज क्या है, आपको जेड सिक्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, जेड फोर की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, और पेट्रोल इंजन लेना चाहिए डीजल इंजन लेना चाहिए। चलो बात शुरू करते हैं। तो अगर आपको यूसेज ज़्यादा नहीं है, आपको सिटी में ड्राइव करनी है गाड़ी को, या थोड़ा मोड़ा ही चलाना है अपने ऑफिस वर्क में या बिजनेस वर्क में, तो आप सिंपल से जेड फोर लीजिए, क्योंकि सिटी में सनरूफ का आपको उतना यूज़ नहीं लगेगा, और आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स दे दिए गए हैं, और इसकी प्राइस आपको 13.99 लाख से डीजल में स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको 14.5 लाख में ऑन रोड जेड फोर आ जाएगा, जो कि एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है मिडिल क्लास के लिए भी। और अगर आप घूमने के शौकीन हो, आपको ट्रिप प्लान करना, तो आप जेड सिक्स की तरफ जा सकते हैं, वो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, उसमें आपको तरह तरह के जो मोड दिए गए आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा आपके लिए जेड सिक्स बनाया है जेड फोर बनाया है, तो मेरी मानो तो आपको जेड फोर में ही जाना चाहिए। और आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, आप घूमने के शौकीन हो, तो आपको जेड सिक्स की तरफ जाना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।